आज मुसाफिर यारों का एक बेहद खास एपिसोड है। हम लोग आज आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जा रहे हैं जो कि फिलहाल काफी समय से बहुत प्रसिद्ध हो गया है। मैं बात कर रही हूँ कैची धाम की, जहाँ पर नीम करोली बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वेल, जिम कॉर्बेट से हमने अपनी यात्रा शुरू करी। लगभग 2.5 घंटे का ये सफर था। नैनीताल होते हुए हम लोग कैची धाम की ओर अब प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ आपको कराएंगे मंदिर के दर्शन। मौसम बेहद सुहावना हो गया है, हल्की हल्की सी बारिश है, बादल मानो जो है एकदम नीचे रोड तक आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं नीम करोली बाबा के कैची धाम मंदिर के सफर पर। मंदिर और आश्रम के दर्शन करने के लिए हमने प्रसाद जो है वो ले लिया है। अब सीधे आपको लेकर चलेंगे मंदिर की ओर। कैची धाम स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक मेरे पीछे जो है ये आश्रम है, नदी किनारे बसा हुआ है। अब आगे इसके इतिहास के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, साथ साथ आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। आपको समझाते हैं कि इस जगह का नाम कैची धाम क्यों पड़ा। दरअसल दो पहाड़ों को चीरते हुए एक नदी, शिप्रा नदी यहाँ से बहती है, और इस नदी का शेप अगर ऊपर से देखेंगे दो पहाड़ों के बीच ये मंदिर जो स्थित है, धाम जो स्थित है, वो कैची की शेप में नजर आता है, इसीलिए इस जगह को कैची धाम कहा जाता है। कैची धाम स्थित इस नीम करोली बाबा आश्रम की बात करें तो इसे नीम करोली बाबा ने 1960 के दौरान जो है इसे बनाया था। उनकी डिवोटीज ने उनके लिए बनाया था। हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है, साथ साथ नीम करोली बाबा का आश्रम है। श्रद्धालु जो हैं दूर दूर से, सिर्फ भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी आते हैं। आपने एप्पल कंपनी जिसका आईफोन बिकता है उसके बारे में तो सुना ही होगा। तो उसके जो संस्थापक थे वो 1970 के अराउंड जो है नीम करोली बाबा के इसी आश्रम में आए थे, और प्रसाद के रूप में उन्होंने एक सेब का टुकड़ा खा करके वो सेब जो है उनको दे दिया था। और इसी सेब के ऊपर एप्पल कंपनी का जो लोगो है उसे बनाया गया था। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्टर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी हाल फिलहाल में आए थे। और नीम करोली बाबा की इतनी ज़्यादा मान्यताएं हैं कि आज वो देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो हमने भी सोचा कि इस मुसाफिर हुई यारों के एपिसोड में हम आपको कैची धाम स्थित नीम करोली बाबा के दर्शन करवाएँ। बहुत शांति से और आराम से नीम करोली बाबा के मंदिर में दर्शन हो गए। आपने देखा होगा कि हमने आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा पाए। दरअसल यहाँ पर जो है फोटोग्राफी और सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। इसके पीछे ये कारण है कि बाबा चाहते हैं कि यहाँ पर लोग आके मेडिटेट करें और शांति से दर्शन करें और इन सब चीज़ों में ज़्यादा यकीन ना करें। सो बस इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। खैर, अगर आप यहाँ पर आकर रुकना चाहते हैं, आश्रम के प्रमाइसिस के अंदर रुकना चाहते हैं, उसके लिए आपको
आश्रम को थोड़े टाइम पहले एक पत्र लिखना होगा कि आप इस तारीख को यहाँ पर आना चाहते हैं, आपके आने का कारण क्या है। उसके बाद आपको आश्रम वाले कॉन्टैक्ट करेंगे अगर उनको लगता है कि आपको वो यहाँ पर रुकवा सकते हैं। वहीं अगर आपको आश्रम में रुकने की परमिशन नहीं मिलती है तो निराश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मंदिर के आसपास काफ़ी सारे छोटे होटल्स और होम स्टेज हैं, खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम है, तो आप यहाँ पर आकर आराम से कुछ दिन गुजार सकते हैं शांति से। और एक बात का खास ख्याल रखें कि अपने साथ गर्म कपड़े और ये छाता ज़रूर रखें, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, कुदरत का करिश्मा है। तो ये था आज का मुसाफिर हूँ यारों का खास बेहद स्पेशल एपिसोड, मेरे दिल के काफ़ी करीब। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगले सफ़र में आपको हमारे साथ कहाँ चलना है।